अंकिता विकी में झगड़ा, मनारा को मिला बहन प्रियंका का सपोर्ट, ईशा के बॉयफ्रेंड लेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो इस बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए इस हफ्ते की 10 बड़ी खबरें टेली रैप के साथ। अभिषेक ईशा जहां अपने बिखरे रिश्ते को सवार रहे हैं, वहीं अब ईशा के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल लेने वाले हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। बिग बॉस में टीवी आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट के लिए जब अंकिता ने आवाज उठाई तो टीवी प्रोड्यूसर संदीप सिकंद ने उन्हें स्लैम कर पोस्ट लिखा। उनको जवाब देते हुए हिना ने क्या कहा, डाले एक नजर। अंकिता विकी के रिलेशनशिप पर काम्या पंजाबी ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अगर विकी के लिए कोई कुछ बोल रहा है, वो बोलता नहीं है। उसका बहुत क्लियर है जो मुझे नजर आ रहा है कि तुम सोचो तुम्हें जो सोचना है जी। मैं करूँगा जो मुझे करना है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक पहली बार एक ऐसा इंसान आया है इस शो में जो नहीं देता एक्सप्लेनेशन, जो अपने गेम में मस्त है। वो मस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विकी की गेम बहुत अच्छी लग रही है, अंकिता मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वो जब कोई बात रखनी होती है, मुद्दा होता है, वो बोलती है, वो अपनी बात रखती है, जब चीखना होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता एक जगह पे, एक पॉइंट पे, कि कहीं ना कहीं अंकिता जो है वो विकी को थोड़ा रोक रही है? मैं आ रही हूँ, उस पर आ रही हूँ। तो जब आवाज़ उठानी होती है वो उठा रही है, जब चीखना होता है वो चीख रही है, जहाँ उसे पता है कि यहाँ मतलब नहीं है वहाँ पे वो आई एम सॉरी बोल के निकल भी जाती है। एल्विश की वजह से आशिता धवन क्यों हुई परेशान, डाले उस पर एक नजर। लेकिन उसके बाद जो एल्विश आर्मी के जो लोग हैं, पता नहीं कौन है ये लोग, और पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को कि ये किसी को भी धमका सकते हैं, किसी को भी डरा सकते हैं। आई एम एन एक्टर, आपकी नजर में मैं कुछ नहीं होंगी। आपकी नजर में एल्विश यादव की कार का नंबर मुझसे ज्यादा पॉपुलर होगा। राखी के खिलाफ तनुश्री ने FIR दर्ज की और कहा, उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही कि मेरा नाम लेके मेरे बारे में उल्टा सीधा कुछ बोले। मैंने एक चीज़ नोटिस की, दुर्गा पूजा के पंडाल में राखी सावंत का जब मैंने कवरेज देखा, उन्होंने एक बार भी माता के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक नहीं किया। और मुझे ऑफर्स तो बीच बीच में आते ही थे, मैंने बहुत सारे ऑफर्स मना किए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी मुझे लगता था। और मेरी एक गलत धारणा थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने काम शुरू कर दिया शूटिंग, तो शायद मेरा अध्यात्म जो है वो मुझसे छूट जाएगा। शादी के बाद पहली बार सना ने मुफ्ती अनस के साथ अपनी शादीशुदा लाइफ का खुलासा किया और कहा, यू नो आई हैव अ सपोर्ट, आई हैव एन इमोशनल सपोर्ट, आई बिलोंग टू समबडी, समबडी लव्स मी एंड समबडी रिस्पेक्ट्स मी, यू मेरा एग्जिस्टेंस को वैल्यू देता है। ऐसा नहीं कि आज हूँ कल चले गई तो फर्क नहीं पड़ता, कोई और मिल जाएगी, वो सिस्टम नहीं होता है। सो आई believe in the institute, you know, institution of marriage and having that, you know, soul to soul connection. And obviously, I was craving for it. I was craving for love. I was craving for real love. And bas Allah ne inko meri zindagi mein, you know, kahin se aise aa gaye. And he was just somebody I used to take guidance from. And hum dono ne ek dusre ke liye kabhi nahi socha tha. Unhone bhi mere liye kabhi nahi socha tha. मनारा जो बिग बॉस 17 के घर में तहलका मचा रही है, वही अपनी बहन प्रियंका की बहुत खास है वो। सालों पहले प्रियंका ने मनारा को सपोर्ट करते हुए क्या कहा था, आप खुद ही देख लीजिए। मेरी पूरी फैमिली इतनी टैलेंटेड है कि आप एक दूसरे को एक से बढ़कर एक ही देखेंगे। आई डोंट कंपेयर बिटवीन माई सिस्टर्स, ये तो आप अपनी फैमिली के बीच में कोई कंपेरिजन नहीं होता। बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअल्स, परिणती के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मनारा के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मेरे अपने, एंड आई थिंक दे शुड बी सीन एज इंडिविजुअल्स रादर देन अ कंपैरिजन। आई एम जस्ट रियली प्राउड दैट ऑल माय सिबलिंग्स आर सो टैलेंटेड दैट पीपल आर सीइंग देयर टैलेंट सो वेल, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एंड आई थिंक वो ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। सॉरी वी कुडंट हियर यू। मनारा के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या लगते हैं आपको? ओह, मनारा की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या लगती हैं? आई थिंक मनारा इज वेरी
the best way to put it is that she's extremely free in terms of she's not conscious of herself. जब मैंने उसको उसकी फिल्म में एटलीस्ट जब मैंने देखा इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हर एक्ट एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ये जो पार्ट जो उसको दिया गया है वो बहुत मुश्किल पार्ट है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इस रोल में और पहली फिल्म के लिए आई थिंक इट वॉज आस्किंग फॉर अ लॉट बट शी लिव्ड अप टू इट एंड आई थिंक वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उसको इतना बड़ा चैलेंज दिया गया है और उसने इक्के पे इक्का मारा मेरे हिसाब से पहली फिल्म के लिए आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक गाजा में चल रही वॉर पर टीवी स्टार्स ने दुख जताते हुए कहा इंडिया फोरम्स के रिपोर्ट के हिसाब से अभिषेक मलान और आकांक्षा पुरी रिलेशनशिप में हैं। जिसके बाद अभिषेक के फैंस काफी हैरान हैं और कमेंट कर रिएक्ट कर रहे हैं बिग बॉस 17 को लेकर क्या है जनता का फरमान डालें उस पर एक नजर बट ऐश्वर्या शी इट लुक्स लाइक यू नो वेरी मच एटीट्यूड एरोगेंस एंड एवरीथिंग सो आई एम नॉट लाइकिंग ऐश्वर्या एट ऑल के मुनव्वर है वो ही जीतेगा शो या तो वो फर्स्ट फाइव में तो आएगा ही सही जोड़ी बन के आए हो तो पहले तो अंकिता को ख्याल रखो क्योंकि अंकिता की वजह से ही तुम कहीं ना कहीं पॉपुलर हुए हो ठीक है बिजनेसमैन होगे तुम होगे पर अगर टीवी इंडस्ट्री में तुम जाने जाते हो अंकिता की वजह से जाने जाते हो अंकिता जो है वो डिट्टो रूबीना का ही कॉपी कर रही है आपका क्या कहना है इन खबरों को लेकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में एंड ऑल्सो डू फॉलो लाइक एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब